आज हम MSc प्रीवियस का पेपर सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स में यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। यूनिट थर्ड में हमें फिल्टर फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिफरेंट डिफरेंट फाइलम के ऑर्गेनिज्म में फिल्टर फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को एक्सप्लेन किया है, जिसमें हमने लोअर मेटाजोआ में साइकोन, ल्यूकोसोलेनिया, मोलस्क में यूनियो, इनका फिल्टर फीडिंग डिस्कस किया था। तो आज जिस एनिमल में हमें फिल्टर फीडिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन डिस्कस करना है वो पॉलिकेटा क्लास का एग्जांपल है, नेरीज। आज हमें नेरीज में फिल्टर फीडिंग की, नेरीज कैसे फिल्टर फीडिंग परफॉर्म करता है, न्यूट्रिशन गेन करता है और अपना डाइजेशन परफॉर्म करता है, ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेरीज की बात करें तो नेरीज में हमें देखना है फिल्टर फीडिंग। यहाँ पे फिल्टर फीडिंग का क्या मतलब है, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी फिल्टर फीडिंग को अच्छे से डिस्कस किया था कि फिल्टर फीडिंग का क्या मतलब है। फिल्टर फीडिंग का मतलब है फिल्टर यानी किसी चीज को स्ट्रेन करना या फिर छान के खाना, यानी सेलेक्ट करके फूड पार्टिकल अगर कोई ऑर्गेनिज्म एनगल्फ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, न्यूट्रिशन गेन कर रहा है, फिर डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है अपना, तो उसे हम कहेंगे फिल्टर फीडिंग। यानी कि सस्पेंडेड फूड पार्टिकल को फिल्टर करके एनगल्फ करना, कंज्यूम करना कहलाता है फिल्टर फीडिंग। अब यहाँ पे अगर हम नेरीज की बात करें तो सबसे पहले नेरीज प्रेजेंट कहाँ होते हैं, नेरीज प्रेजेंट होते हैं इन ए यू शेप बोरोज इन सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स में एक यू शेप का बोरो बना के, ये यू शेप का बोरो बना के सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होता है नेरीज। नेरीज कहां प्रेजेंट है, लीव्स इन यू शेप बोरोज इन सेडिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फिल्टर फीडिंग इज नेरीज यूज्ड टू गैदर फूड पार्टिकल दैट हैव संक इनटू द बॉटम ऑफ वाटर। नेरीज फिल्टर फीडिंग क्यों काम में ले रहा है, नेरीज फिल्टर फीडिंग फूड को गैदर करना, फूड को इकट्ठा करना, या फिर हम कह सकते हैं फूड को कंज्यूम करने के लिए कहाँ पे जो प्रेजेंट है, दैट हैव संक टू द बॉटम ऑफ वाटर। वाटर के बॉटम में, वाटर के गहराई में, नीचे में, नीचे अगर कोई फूड पार्टिकल संक है तो उसे गैदर करने के लिए नेरीज फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म यूज करता है। फिल्टर फीडिंग इन नेरीज यूज टू गैदर फूड पार्टिकल दैट हैव sunk to the bottom of the water। बॉटम के, वाटर के बॉटम में अगर कोई फूड पार्टिकल संक है तो उसे गैदर करने के लिए, उसे एनगल्फ करने के लिए फिल्टर फीडिंग यूज करता है नेरीज। अब अगर हम बात करें कि नेरीज कैसे अपना फिल्टर फीडिंग शो करता है तो हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट है लॉन्ग बाइपिन्नेट फिलामेंट और टेंटिकल ऑन हेड। नेरीज के हेड पे टेंटिकल्स प्रेजेंट है, नेरीज के हेड पे बाइपिन्नेट फिलामेंट्स प्रेजेंट है, या फिर हम कह सकते हैं टेंटिकल प्रेजेंट है, और इसी टेंटिकल की हेल्प से वो फूड को कैप्चर करता है, गैदर करता है। सबसे पहली बात, नेरीज के हेड पे लॉन्ग बाइपिन्नेट फिलामेंट या फिर टेंटिकल्स प्रेजेंट है, फूड को कैप्चर करने के बाद टेंटिकल स्टेप बाय स्टेप फूड पार्टिकल टू द कैविटी, मतलब स्टेप बाय स्टेप फूड पार्टिकल्स को ओरल कैविटी में भेजता है, यानी माउथ के पास ट्रांसफर करता है। बाइपिनेट फिलामेंट है, कहाँ है, हेड पे है, क्या है, टेंटिकल्स। बाइपिनेट फिलामेंट या फिर टेंटिकल्स हेड पे प्रेजेंट है, जो स्टेप बाय स्टेप फूड को ओरल कैविटी में ट्रांसफर कर रहा है। कौन से फूड, स्मॉल क्रस्टेशियन जिसपे नेरीज फीड करेगा, जैसे कि स्मॉल क्रस्टेशियन वॉर्म्स या फिर ऑर्गेनिज्म के लार्वा, स्मॉल ऑर्गेनिज्म के लार्वा, स्मॉल क्रस्टेशियन या फिर वॉर्म्स को ये टेंटिकल की हेल्प से गैदर करेगा, स्टेप बाय स्टेप फूड पार्टिकल को ओरल कैविटी में ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होगा, प्रोड्यूस म्यूकस विच प्रोटेक्ट द सरफेस एंड फॉर्म्स अ टेम्पररी लाइनिंग टू द बोरो। नेरीज क्या करते हैं, बोरो के सरफेस के ऊपर यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो एक टेम्पररी लाइनिंग के तौर पे काम करती है, और जो फूड पार्टिकल्स आ रहे हैं उन, वो ये जो म्यूकस जो यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है ये एक नेट की तरह कार्य करता है, और जो फूड पार्टिकल यहाँ पे आ रहा है, फूड पार्टिकल, वो छान के यानी फिल्टर करके अंदर ले रहा है इस म्यूकस की हेल्प से, मतलब म्यूकस यहाँ पे एक नेट की तरह कार्य कर रहा है। क्या हो रहा है, प्रोड्यूस म्यूकस, म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या कर रहा है, विच प्रोटेक्ट द सरफेस फॉर्म्स एंड टेम्पररी लाइनिंग टू द बोरो, एक बोरो पे एक टेम्पररी लाइनिंग की तरह नेट बना रहा है म्यूकस। दिस सिक्रीशन प्रोड्यूस ए नेट विद इन द बोरो, इस सिक्रीशन के कारण क्या बन गया, नेट बन गया। व्हेन वाटर इज पंप्ड दिस नेट
वर्क लाइक फिल्टर. जब वाटर अंदर पंप्ड होगा फूड पार्टिकल के साथ, तब जो ये म्यूकस की जो लाइनिंग है ये नेट की तरह कार्य करेगी. सस्पेंडेड फूड पार्टिकल कलेक्ट इन द नेट. अब जो फूड पार्टिकल जो आ रहे हैं वो नेट में कलेक्ट हो जाएंगे. प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स एंड पल्स ऑन द हेड हेल्प इन कलेक्शन ऑफ फूड, सॉर्टिंग ऑफ फूड. अब ये टेंटिकल्स क्या करेंगे, जो फूड पार्टिकल आ गए नेट में उनको कलेक्ट करेंगे. यहाँ टेंटिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे नेट प्रेजेंट है. नेट से नेट में फूड कलेक्ट हुआ, यहाँ टेंटिकल्स प्रेजेंट है. टेंटिकल्स ने फूड को कलेक्ट किया और सॉर्ट किया. सॉर्ट किया मतलब उन्होंने देखा कि कौन सा फूड नेरे डाइजेस्ट कर सकता है, कौन सा फूड हमें लेना है और कौन सा फूड हमें रिजेक्ट करना है, नहीं लेना. कलेक्ट किया फूड को और सॉर्ट किया फूड को. एज द स्मॉल प्रे कम्स टू इट, जैसे छोटे प्रे वहाँ आते, प्रे यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल क्रस्टेशियन, वर्म्स, वॉर्म्स या फिर लार्वा यानी उसका शिकार जब पास आता है, एज द स्मॉल प्रे कम्स टू इट टू कैप्चर द प्रे, इट सडनली मेक्स इट्स ट्रंक्स टू कम आउट. उस प्रे को कैप्चर करने के लिए वो अचानक से अपना ट्रंक बाहर निकालता है, और जैसे ही वो प्रे को पकड़ लेता है अपने टेंटेकल्स के थ्रू, एक प्लकर के जैसे दोबारा से वो अपने होल में एंटर कर जाता है और फिल्टर फीडिंग अपना न्यूट्रिशन गेन करता है और आगे फर्दर डाइजेशन परफॉर्म करता है. तो हमने क्या समझा कि नेरीज यू शेप बोरो बना के रहता है सेडिमेंट्स पे. नेरीज यू शेप बोरो बना के रहता है सेडिमेंट्स में. और वाटर में बॉटम में प्रेजेंट या फिर बॉटम में संक जो फूड पार्टिकल्स है, बॉटम में वाटर की गहराई में जो प्रेजेंट फूड पार्टिकल है उनको गैदर करता है फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म के थ्रू. फर्स्ट कि यू शेप बोरो में रहता है सेडिमेंट्स में, यू शेप बोरो बना के रहता है, बोरो के अंदर रहता है. सेकेंड कि कौन से फूड पार्टिकल लेते हैं ये, जो बॉटम में वाटर में बॉटम में जो संक हो गए, नीचे की तरफ जो संक सिंक हो गए, उन वाटर को उन फूड पार्टिकल्स को वो कलेक्ट करता है फीडिंग और न्यूट्रिशन के लिए. थर्ड हमने क्या देखा कि नेरीज के हेड पे टेंटेकल्स प्रेजेंट है या फिर हम कह सकते हैं बाईपिनेट फिलामेंट्स प्रेजेंट है, जो क्या कर रहे हैं फूड को कैप्चर करने का कार्य कर रहे हैं. फिर उस फूड को कैप्चर करने के बाद स्टेप बाय स्टेप फूड पार्टिकल्स को ओरल कैविटी में भेज रहे हैं. टेंटेकल प्रेजेंट है या फिर बाईपिनेट फिलामेंट प्रेजेंट है, जो फूड को कैप्चर कर रहे हैं. कैप्चर करने के बाद ओरल कैविटी में ट्रांसफर कर रहे हैं. कौन से फूड, स्मॉल क्रस्टेशियन, वॉर्म्स एंड लार्वा. स्मॉल क्रस्टेशियन, वॉर्म्स एंड लार्वा के ऊपर नेरीज फीड करता है. नेक्स्ट हमने देखा ये क्या करता है, नेरीज म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जो एक जो सरफेस है ये बोरो के सरफेस पे एक लाइनिंग की तरह वर्क करता है, एक टेम्पररी लाइनिंग बना देता है जिसे हम नेट कहते हैं. अब वाटर के थ्रू दिस सिक्रीट प्रोड्यूस ए नेट विद इन द बोरो. म्यूकस सिक्रीट हुआ और क्या बना दिया, नेट बना दिया. व्हेन वाटर इज पंप्ड दिस नेट वर्क लाइक ए फिल्टर. जब वाटर आएगा यानी वाटर के साथ स्मॉल क्रस्टेशियन, वॉर्म्स एंड लार्वा यानी फूड पार्टिकल आएंगे, तो ये नेट, ये लाइनिंग यहाँ पे एक नेट की तरह कार्य करेगा जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करेगा, गैदर करने में. सस्पेंडेड फूड पार्टिकल कलेक्ट इन द नेट. ये जो सस्पेंडेड फूड पार्टिकल है यानी कि जो फूड पार्टिकल आ रहे हैं वो यहाँ पे नेट में कलेक्ट हो जाएंगे. प्रेजेंस ऑफ टेंटिकल्स एंड पल्स ऑन द हेड हेल्प इन कलेक्शन ऑफ फूड एंड सॉर्टिंग ऑफ फूड. अब जो यहाँ पे नेट में जो कलेक्ट हो गए फूड, उनको टेंटिकल कैप्चर करेंगे और क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे यानी देखेंगे कि कौन सा फूड हमें कैप्चर करना है और कौन सा फूड हमें रिजेक्ट करना है, क्या फूड नेरीज डाइजेस्ट कर सकता है या फिर नहीं डाइजेस्ट कर सकता, यानी कि कलेक्ट करके और सॉर्ट करके ही फूड को अंदर ओरल कैविटी में ट्रांसफर करेंगे. जैसे ही कोई छोटा प्रे, स्मॉल प्रे आता है नेरीज के पास, तो नेरीज उस प्रे को कैप्चर करने के लिए सडनली अपना ट्रंक बाहर निकालते हैं, और फिर जैसे ही वो प्रे को कैप्चर अपना ट्रंक बाहर निकालेंगे, ट्रंक के थ्रू टेंटिकल्स बाहर निकालेंगे, और जैसे ही टेंटिकल्स ने उसने नेट में से फूड को कैप्चर कर लिया, वो अपना ट्रंक दोबारा बोरो में अंदर इंसर्ट कर लेगा. ऐसे फिल्टर नेरीज अपना फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म परफॉर्म करता है. अब अगर हम नेरीज की डाइजेशन की बात करें तो हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे. डाइजेशन की बात करें तो हम एलिमेंट्री कैनाल को समझेंगे. अब नेरीज के एलिमेंट्री कैनाल में थ्री पार्ट्स प्रेजेंट है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट.
नेरीज के फोरगट को हम स्टोमेडियम बोल सकते हैं, मिडगट को मीजेंटेरॉन एंड हिंडगट को प्रोक्टोडेउम बोल सकते हैं। नेरीज के एलिमेंट्री कैनाल में थ्री पार्ट प्रेजेंट है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट में क्या आएगा? माउथ एंड बकल कैविटी, जो किसको लीड करेगा? लीड्स टू फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स। इसके बाद आएगा फेरिंग्स। फिर आता है मिडगट, मिडगट में आएगा इसोफेगस और उसके बाद स्टमक, ट्रू स्टमक नहीं होता, इंटेस्टाइन कह सकते हैं हम। लास्ट आता है हमारा हिंडगट। फोरगट में प्रेजेंट है माउथ, बकल कैविटी जो लीड कर रहा है फेरिंग्स तक। फिर मिडगट में आएगा इसोफेगस, फिर स्टमक या फिर इंटेस्टाइन हम कह सकते हैं, फिर लास्ट में हिंडगट। अब अगर हम फोरगट की बात करें तो फोरगट में दो पार्ट हमने पढ़ा, माउथ और फेरिंग्स है। तो सबसे पहले हम अगर माउथ की बात करें तो माउथ कहाँ प्रेजेंट है? वेंट्रल साइड में। और किसके वेंट्रल साइड में? पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड में। नेरीज के पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट है? माउथ, जो कहाँ खुल रहा है? इनटू बक्कल कैविटी, माउथ ओपन हो रहा है बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट क्या है? फेरिंग्स। माउथ के बाद क्या आएगा? फेरिंग्स एक्सटेंड अप टू फोर्थ सेगमेंट, 1, 2, 3, 4 फोर्थ सेगमेंट तक फेरिंग्स एक्सटेंड है। एंड ऑल्सो लाइन इंटरनली बाई क्यूटिकल, अंदर की तरफ से क्यूटिकल की लाइनिंग से लाइंड है फेरिंग्स। सबसे पहले फोरगट, जिसमें हम माउथ देखेंगे। माउथ कहाँ प्रेजेंट है? पेरिस्टोमियम के वेंट्रल साइड में, जो कि बक्कल कैविटी में खुल रहा है। नेक्स्ट हमारा फेरिंग्स फोरगट में, जो फोर्थ सेगमेंट तक एक्सटेंड है और इंटरनली क्यूटिकल से लाइंड है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिडगट। मिडगट की बात करें तो इसोफेगस, इसोफेगस क्या है? ट्रांसवर्स थ्रू फिफ्थ सेगमेंट, फिफ्थ सेगमेंट से हम बात करेंगे इसोफेगस की। और इसोफेगस क्या करता है? कम्युनिकेट्स विद इंटेस्टाइन, किससे कम्युनिकेट करता है? इंटेस्टाइन से। अब नेक्स्ट हम बात करें स्टमक की, तो नो ट्रू स्टमक, मैंने बताया ट्रू स्टमक नहीं होता, स्टमक की जगह पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इंटेस्टाइन प्रेजेंट है। और इसी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन की क्रिया होती है, इसी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस। क्या प्रेजेंट है यहाँ? एपिथेलियल लेयर सेल्स की बनी है ये, जो ग्लैंड सेल्स है। कैसे सेल्स है? ग्लैंड सेल्स है। किसकी बनी है? एपिथेलियल लेयर से। एंड डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, और डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है, और यही डाइजेस्टिव जूस वाटर डिकम्पोजिशन करता है प्रोटीज का, एमाइलेज का, लाइपेज का, स्टार्च का एंड फैट का।